अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस पर झज्जर में किया वीर सैनिकों को सम्मानित। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस को भारतीय सेना के शौर्य का पराक्रम पर्व बताते हुए कहा कि देश की सीमा पर हमारे जवान दुश्मनों के खून से होली तथा अपनी बंदूक की गोली व बम के धमाकों से अपनी दिवाली मनाते हैं। कष्टदायक परिस्थितियों में भारतीय सेना की वीरता की बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की नींद तथा खुली हवा में सांस ले पाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात झज्जर में सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शनिवार को देश के लिए विभिन्न लड़ाइयों में अपना पराक्रम दिखा चुके पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कही। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मुख्य कार्यक्रम का झज्जर के राजकीय नेहरू कॉलेज सभागार में आयोजन किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम एवं बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग ने मुख्यमंत्री को सैनिक परिवार की ओर से मुख्यमंत्री को हैट पहनाकर शक्ति का प्रतीक तलवार भी भेंट की। इस अवसर पर भारतीय सेना से ब्रिगेडियर जेएस सानियाल के नेतृत्व में आई टुकड़ी ने विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम में माहौल को पूरी तरह देशभक्ति में बना दिया। हरियाणा को वीर शहीदों की भूमि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में क्षेत्रफल का हम केवल 1.3% है, आबादी में महज 2%, लेकिन सेना में हमारी हिस्सेदारी 10-11% है। हमारे बालकों का जब शारीरिक मानसिक व बौद्धिक विकास होता है तो उसके मन में सेना में जाने का भाव रोजगार के लिए नहीं बल्कि सीमा पर जाकर दुश्मन के दांत खट्टे करने तथा नाकों चने चबवाने का होता है। हमारी युवा पीढ़ी लगातार देश की सेना में हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करती है। बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि पूरे देश में आज शौर्य दिवस को एक पराक्रम पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 28, 29, 30 सितंबर को पूरे देश में लाखों की संख्या में सब लोग अपने विचारों को साझा कर रहे हैं कि देश का सामान्य समाज अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है, देश की आजादी का एहसास वो कर रहा है, खुली हवा में सांस ले रहा है, लेकिन आखिर इस काबिल इस योग्य वो कैसे बना? वो बना इस देश को आजादी दिलाने वाले हमारे अनेकों अनेक शहीद, हमारे सैनिक, और जो आज भी प्रहरी बनकर चाहे जल सेना, थल सेना और वायु सेना किसी भी रूप में इस देश की रक्षा कर रहे हैं। और हमें इस बात का भी गर्व है, हरियाणा की भूमि क्षेत्रफल में पूरे देश का 1.3% है, आबादी में हम देश का 2% है, लेकिन सेनाओं में, हमारी रक्षा सेनाओं में हरियाणा का अगर हिस्सा हम देखते हैं तो 10 और 11% ही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रति जज्बाती बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सेना का मनोबल लगातार बढ़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो आज भी दुश्मन अपनी हरकत करता है तो हर बात का तुरंत जवाब दिया जाता है। हाल में सीमा पर भारतीय सैनिक की नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारी सेनाएं दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पूर्व सैनिकों के करीब 19 लाख परिवार हैं। इन परिवार के कल्याण व सम्मान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने शहीदों के 225 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने, शहीदों की अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण को देखते हुए सैनिक बोर्ड को अलग विभाग व मंत्रालय का दर्जा देने आदि कार्य किए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक दिवस को भारत के लिए यादगार दिन बताते हुए कहा कि वर्षों से हर भारतीय के मन में टीस थी कि उनकी सेना भी अमेरिका और इसराइल की तर्ज पर दूसरे देशों की धरती पर जाकर दुश्मनों का सफाया करे। भारतीय सेना ने दो बार पहले बर्मा और फिर पाकिस्तान में जाकर देश के दुश्मनों का संहार करते हुए उनके ठिकानों को नष्ट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की दशकों पुरानी मांग को 10,800 करोड़ रुपए की राशि से पूरा किया। उन्होंने विकास एवं पंचायत मंत्री होने के नाते गर्व के साथ यह बात भी बताई कि जिन सैनिकों का रक्त व पसीना देश की मिट्टी के लिए काम आया है उनके स्मारक गांव के ही सरकारी खर्च पर बनाए जाएंगे तथा शहीदों की परंपरा को पब्लिक डोमेन में लाने
के लिए गांव के हर शहीद का नाम गांव के ग्राम गौरव पट पर लिखवाया जा रहा है। हरियाणा के सभी गांवों में ऐसे ग्राम गौरव पट भी लगाए जाएंगे। उन्होंने भारत चीन के 1962 में युद्ध में रेजांगला के वीरों की वीर गाथा पर फिल्म बनाने पर भी विचार करने की जानकारी दी। दुनिया के ऐसे देशों जो करते रहे अमेरिका और इजराइल जैसे, हमारे सैनिकों ने भी की और उससे भारत का शौर्य बढ़ा, गौरव बढ़ा, पराक्रम बढ़ा। उसी को याद करते हुए आज का ये दिन अशोक दिवस के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। और मैं कहूँगा कि शौर्य जो है, वीरता जो है, ये सर्वोच्च गुण है। इसलिए कहा है कि वीर होते हैं, लेकिन वीरों की वीरता को समण रखना और इसके लिए लगातार काम करना है, क्योंकि जो देश का झंडा खुली हवा में फैलता है वो हवा में नहीं फैलता, वो वीरों की अंतिम सांसों से फैलता है। इसलिए हमने हर गांव में ग्राम गौरव पट लगाए हैं, हर वीर को हम अमर कर देना चाहते हैं। हमने जिन्होंने विशेष बहादुरी के सम्मान प्राप्त किए हैं उनके अलग से स्मारक बना रहे हैं। हमने हर वीरांगना के निर्देश पर, उसकी इच्छा पर नौकरी देना प्रारंभ किया है। अब हमने एक फैसला और किया है कि कोई बड़ा अफसर मान लो बलिदान होता है और उसकी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है तो उसको अच्छे रैंक की नौकरी दी जाए, एक सामान्य रैंक की नौकरी की बजाय। तो ये सरकार वीरों के प्रति समर्पित सरकार है। वन रैंक वन पेंशन मोदी जी के समय में शुरू हुआ और वर्षों से प्रतीक्षित मातनहिल के सैनिक स्कूल के लिए भी बजट एलोकेशन हो गया है। सैनिक कॉलोनी भादुगढ़ में बन रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शौर्य सम्मान इस सरकार में बहुत ही आदर के साथ किया जा रहा है। फिल्म बनाने के लिए आपने बात की, मैंने चर्चा की मुख्यमंत्री जी से कि रेजांगला के वीरों की जो गाथा है उसकी बराबरी की दुनिया में कोई गाथा नहीं है। 124 में से 114 लोग शहीद हो गए थे। हमारे सहीराम नाम का एक सैनिक था, उसने 10 लोगों को हथियार, गोली बारूद खत्म होने के बाद बंदूक को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए चीनी सैनिकों को मारा था। तो ऐसी जो एक बहादुरी की विशेष कथा है, उस बहादुरी की विशेष कथा पर एक विशेष फिल्म भी बने की चर्चा मैंने उसे की। इसके लिए हमने किसी को तैयार करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व अन्य विशिष्ट जनों का पूर्व सैनिकों ने पगड़ी बांधकर अभिनंदन किया। उपायुक्त सोनल गोयल ने भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए सैनिकों की धरती झज्जर का चयन करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार निवासी गांव रायपुर, स्क्वाड्रन लीडर शेर सिंह निवासी बेरी, सहायक कमांडेंट वजीर सिंह निवासी गांव उखलचना कोट, ऑनरेरी कैप्टन जय सिंह वीर चक्र निवासी असंडा तथा सूबेदार जगबीर सिंह निवासी गांव सिलानी को मुख्यमंत्री ने शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम के दौरान सेना की वीर गाथा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण भी किया गया। कर पाते हैं। कौन है जो सीमा पर तारों की छांव में किसी बयाबान में जाग रहा है, जब पूरा देश सोता है, दिल को दहलाने वाली त्रासदियों और आपदाओं में कौन है जो आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लेता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान का वफादार रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान क्यों ना करना पड़े। मेरी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा आखिर में आएंगे। ये शुरुआत है साहस के सफर की। तेरा जज्बा, तेरी ताकत, क्या लगनदाज है। देश के प्रहरी सुनो, हमको तुम पर नाज है। भारतीय सेना देश का गौरव। मंच पर अतिथिगण के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष विजेंद्र दलाल, भाजपा नेता विक्रम काद्यान, जिला परिषद के उपाध्यक्ष योगेश सिलानी आदि के साथ जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने भी शिरकत की। आजाद हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।